तो अभी थोड़े से टाइम पहले मैंने अपने OnePlus 9 Pro को करा था ऑक्सीजन OS 12 के ऊपर अपग्रेड, और वो लिटरली इतना ज्यादा बगी OS था, उसके अंदर जो है वो कोई सा भी Android 12 वाला फीचर नहीं था। मतलब मटेरियल यू जो कि गूगल ने प्रेजेंट करी थी उसके अंदर वैसा कोई सा भी फीचर नहीं था, वो लिटरली ऑक्सीजन OS 11 का डाउनग्रेड था Android 12 के नाम पे। तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ज्यादा बगी था, मतलब बहुत ज्यादा लैगी था। तो मैंने सबको बोला था कि कोई भी अपडेट वगैरह मत करना, बट फिर भी आज तक जो है वो लोग उसको अपग्रेड करते हैं और अपने अच्छे खासे OnePlus स्मार्टफोन की फाड़ देते हैं। मैंने इसके अंदर जो है कस्टम रोम डाल ली, और मैं टू बी ऑनेस्ट कस्टम रोम का इतना बड़ा वाला फैन नहीं हूं, मुझे जो है वो ऑफिशियल अपडेट्स चाहिए होते हैं ऑक्सीजन ओएस की तरफ से। और यही एक वजह है कि मैंने OnePlus का स्मार्टफोन लिया था, ताकि ऑक्सीजन ओएस जो है बिल्कुल कोर टू स्ट्रॉक एंड्रॉइड रहे और मेरे को जो है वो अपडेटेड रखता रहे बिना किसी कस्टम रोम के चोंचलों के। बट अपडेट के बाद अपडेट आए, अपडेट के बाद अपडेट आए, और अपडेट के बाद अपडेट आए, उसके बावजूद जो है वो एंड्रॉइड 12 इंप्रूव नहीं हुआ OnePlus डिवाइसेस के ऊपर। OnePlus Nord से लेकर दुनिया भर के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स तक जो है वो एंड्रॉइड 12 जो है वो लैगी है। अगर आप OnePlus 10 Pro भी खरीदते हो तो भी जो है मुझे इतना ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस जो है वो देखने को नहीं मिलता, जो कि मुझे ऑक्सीजन OS 11 में देखने को मिलता है OnePlus 9 Pro के ऊपर, which is kind of doesn't make any sense, right? Yeah, it doesn't. और यही एक वजह है कि OnePlus ने जो है वो लिटरली एक सर्वे रखवाया है, और अब जो है वो वही चीज हो रही है जो कि अपन OnePlus फैंस जो है वो चाहते थे, और वो ये है कि यहां पे ऑक्सीजन OS और कलर OS के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। यहां पे इन्होंने थोड़े से टाइम पहले जो है वो अनाउंस करा था कि कलर OS और ऑक्सीजन OS को है बिल्कुल मर्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम एक यूनिफाइड OS जो है वो नहीं चलेगा, दोनों के दोनों अलग रहेंगे लेकिन सोर्स कोड जो है वो एक ही यूज करेंगे, और उसके अंदर ही जो है वो बहुत ज्यादा क्रिंज OS जो है इन्होंने बना के दिया था। इतना ज्यादा बैकलैश आया OnePlus की कोर कम्युनिटी की तरफ से कि OnePlus वालों ने जो है वो इस वाले डिसीजन को फटाक से जो है वो चेंज करा, और वो लोग जो है उसको यूनिफाइड OS नहीं बना रहे लेकिन सोर्स कोड जो है वो एक ही यूज करेंगे, कलर OS जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म करेगा और ऑक्सीजन OS जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म करेगा। बट अब जो है वो लिटरली वही चीज हो रही है जो कि कोर OnePlus फैंस जो है वो चाहते हैं। इन लोगों ने इस वाले सर्वे के अंदर जो है वो मल्टी कल्चरल इंक्लूसिवनेस, इंटुइटिव ऑपरेशंस, फीचर रिच, क्लोज टू नेटिव वाले ऑप्शंस जो है वो रखे हैं, और उसकी वजह से OnePlus जो है वो एक डिसीजन के ऊपर पहुंची है कि ऑक्सीजन OS 13 जो है वो गूगल के साथ जो है वो कोलैबोरेशन के अंदर बनाया जाएगा, विच इज लाइक यही तो हम चाहते थे फ्रॉम द डे फर्स्ट। मतलब कोई चीज छीन के आप वापस किसी को दे रहे हो, इट्स नॉट कूल, राइट? बट फिर भी एटलीस्ट वापस मिल रही है, इसी बात की जो है वो खुशी अपन सब जो है वो लेके घर चलते हैं। इस वाले आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है, इट सीम्स दैट बोथ ब्रांड्स आर रेसिंग अहेड टू बोथ ऑफर अ यूनिक एंड सॉलिड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एज वेल एज डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम अनदर वन। इसका मतलब साफ है कि ये शादी जो रचाने की कोशिश कर रही थी OnePlus और कलर OS अपने साथ में, वो जो है वो टूट रही है, और इस बात की खुशी जो है वो सबसे ज्यादा एक्स लोगों को ही होती है। सो या इट्स अ गुड डे, इट्स अ गुड न्यूज़। मैं जो हूँ वो किसी भी चीज़ को लेके जो है वो बिच नहीं कर रहा हूँ इस वाले वीडियो के अंदर, एंड टू बी ऑनेस्ट OnePlus जो है वापस एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई लाइक इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना, एंड दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।